आप लोग, आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों बहुत देर से, बहुत ही ज़्यादा देर से मैं लग रहा हूँ कि कोई टॉपिक मिल जाए जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ। दोस्तों कोई टॉपिक तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, मैंने बहुत देर लगाई, फिर जाकर मुझे एक टॉपिक मिला जिस पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इलाइट्रा को यूज़ कर सकते हैं और इलाइट्रा काम कैसे करता है और उसको हम कैसे उड़ा सकते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि रोज़ मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम एक ऊँचाई पर आ गए हैं, ये भी बताऊँगा ऐसे क्यों है, पूरे रूल्स बताऊंगा इसको उड़ाने के। सबसे पहले दोस्तों आपको अगर इलाइट्रा पहनना है, वो पहनना है अपने जो चेस्ट प्लेट पर, जहाँ पर हम चेस्ट प्लेट पहनते हैं वहाँ पर आपने इलाइट्रा पहन लेना है। तो वहाँ, यहाँ पर आप पीछे मेरे देख सकते हो कि येलो कलर का पीछे इलाइट्रा आ चुका है। तो दोस्तों इतना कर लेने के बाद आपको अभी एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अगर इलाइट्रा को उड़ाने वाले हो ना, तो आपको एक ऊंचाई चाहिए। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ऊंचाई रख ली है, लेकिन आपको इससे थोड़ा हाफ में चाहिए कि आप वहाँ से ग्लाइड कर सके। इलाइट्रा का काम है दोस्तों ग्लाइड करना, ना कि फ्लाई करना, वो सिर्फ आपको ग्लाइड कराता है। तो दोस्तों अगर आप इसको सर्वाइवल मोड में खेलते हैं, तो अगर आप यहाँ से गलती से नीचे गिर गए तो बहुत ही गंदे वाला डैमेज होगा, आप सीधे ही मर जाओगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे चलाना है, ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों अगर मैं इसको अभी आपको ऐसे उड़ाकर अगर आपको स्टेप बताऊँगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने किया क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे आपने यहाँ पर छलांग नहीं लगानी है, आपने सिर्फ आगे जाकर यहाँ से कूद जाना है। कूद जाने के बाद आप अपने आप ही ग्लाइड कैसे करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। कूद जाना है बस, कूद जाने के बाद आपको इसको होल्ड करके रख लेना है, ये जंप वाला बटन है इसको होल्ड करके रख लेना है। और जो ये आपको चीज़ चाहिए, फायरवर्क चाहिए, रॉकेट चाहिए आपको। रॉकेट इसलिए कि ये आपको पीछे से धक्का देगा कि आप ऊपर की तरफ जाएँ, जहाँ बहुत ही एक्सेलरेट करेगा आपको, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रख लेना। अभी मैं आपको कर दिखा देता हूँ क्या करना है। जैसे कि अभी यहाँ पर पेड़ ज़्यादा है, मैं खुली जगह पर जाकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर खुली जगह है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैं सिर्फ यहाँ से कूदूंगा और इसको पकड़ के रखूँगा, पकड़ के रखना है। और जहाँ जहाँ आप अपना मुँह करोगे, ठीक है, जहाँ जहाँ आप अपना मुँह करोगे वहाँ वहाँ ये चले जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर आप इसको होल्ड कर रखते हो, होल्ड कर रखते हो तो ये एक्सेलरेट होता है। जैसे ही फायरवर्क चलता है तो ये एक्सेलरेट होता है, ये देखो अपने आप चल रहा है। तो अभी अगर मैं कुछ ना करूं तो ये अपने आप ही ग्लाइड करता रहेगा, ये देखो ऐसे ग्लाइड करता रहेगा, अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही लगे कि ये नीचे आने लगा है तो फिर से अपने जो आपका जो फायरवर्क है उसको चला देना है, ऊपर की तरफ अपना फेस करके इसको चला देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे करके दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि रोज़ मैं इस तरह के मस्त मस्त वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।